जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल पर फेसबुक में गलत टिप्पणी को लेकर प्रेसवार्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष का आरोप, पोस्ट डालकर मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। इस बात से नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात का खंडन करते हुए बताया, समाज में मैं उस दायित्व पर बैठा हूँ, अनावश्यक आरोप या कोई उंगली उठती है तो उस बात का मैं खंडन करूँ। मेरे पास ना कभी बिन्ने सिंह कुरहली प्रधान आते हैं, चाहे तो कॉल डिटेल से चेक कर सकते हैं। बता दें वहीं आपको कि पत्रकार संदीप सिंह पटेल ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल की है। वायरल पोस्ट में कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष की मनमानी से परेशान जिला पंचायत अध्यक्ष के साथी ग्राम पंचायत करहुली प्रधान परम सहयोगी अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बताने वाले बिन्ने सिंह ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी और अपने आप को जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल का सहयोगी होने का दावा किया, जबकि बिन्ने सिंह की जुआ खेलते हुए तस्वीरें महकमे के आला प्रशासन अधिकारियों के पास है और पत्रकार को अपमानजनक भाषा से किया अपमानित, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या आरोप है आपके? आज मैं अपने बबेरू के ही गांव के बगल के निवासी संदीप पटेल पत्रकार हैं, जो आज अखबार के रिपोर्टर हैं। उन्होंने कल की आज की रात निकल के इसके पहले कल की रात रात्रि 12 बजे उन्होंने एक पोस्ट डाल दी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष के साथी ग्राम पंचायत करहुली प्रधान परम सहयोगी अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बताने वाले बिन्ने सिंह ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। अपने आप को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुनील सिंह पटेल का सहयोगी होने का दावा किया, जबकि बिन्ने की जुआ खेलते हुए की तस्वीरी महकमे के आला प्रशासनिक अधिकारियों के पास है और पत्रकारों को अपमानजनक भाषा से अपमानित, प्रशासन ने नहीं की कोई मदद। पत्रकार संदीप सिंह पटेल किन पत्रकारों को इसने ये बोला पड़ी थी, लेकिन कई और भी पत्रकार हैं क्या, किसी को अपमान शायद उसमें पत्रकारों को लिखा है? नहीं, पत्रकार वो स्वयं है। अच्छा, और अच्छा। आज के रिपोर्टर जी जी, असल में मेरा कोई ऐसा उद्देश्य कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर समाज में जिस दायित्व पर मैं बैठा हूँ उस दायित्व के प्रति अगर कोई उंगली उठे तो मेरा दायित्व है कि उसका मैं खंडन कर सकूँ, तो मैं उसी के सापेक्ष आज जिला पंचायत में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के आप एक मजबूत स्तंभ हैं पत्रकारिता क्षेत्र में जी। हम लोग राजनैतिक रूप से आप पत्रकारिता क्षेत्र से एक अंतिम पीड़ित व्यक्ति की आप लोग हमेशा आवाज़ उठाने वाले हैं, और जब इस पर पत्रकार का एक विषय आया तो मुझे लगता है कि अपने पत्रकार साथियों के साथ मुझको एक बार बैठना चाहिए, क्योंकि हम लोग ही विकास की नई गाथा दोनों मिलकर हम करते हैं इस देश की मजबूती के लिए। तो मैंने उस बाबत आप सब लोगों के साथ चर्चा की, कैसे डाला, कैसे नहीं डाला, किससे इनका सहयोगी सदस्य है। मेरे पास न कभी बिन्ने आते हैं जो करौली के सहयोगी, प्रधान के सहयोगी, मेरे सहयोगी बताए गए, कभी मेरे पास नहीं आते, कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं। आप अपनी पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी एक व्यक्तिगत समिति बनाकर कमेटी और इसके तह तक जाकर इसका जांच करें, ताकि इसका स्पष्ट आ सके कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी का वो व्यक्ति सहयोगी। हमारे साथ तस्वीरें तो हजारों लोग खिंचवाते हैं, जिसका आशय ये नहीं कि मैं उसका सहयोगी हो सकता हूँ जी जी, और कॉल डिटेल्स निकला ली जाए, प्रधान जी की क्या स्थिति, हमारे पास आते हैं, जाते हैं, कब आते हैं, कब नहीं आते, बिन्ने हमारे से बात करता है कि नहीं करता, ये सभी चीज़ें, क्योंकि ये संदीप है, ये अभी कुछ दिनों पूर्व प्रधानी का चुनाव भी पूर्व में लड़ा था जी। सरदार सेना एक संगठन है आर एस पटेल जी का, उसका जिलाध्यक्ष भी है और साथ ही आमने सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। अभी कल ही लगता है मैंने फोन लगाया तो फोन उन्होंने जब उठाया नहीं, तो हमने कहा चलिए छोड़िए, हम लोग अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ बैठकर हम इस पर चर्चा कर लेंगे। और इन्होंने बगैर बताए पोस्ट भी डिलीट कर दी। अच्छा, पोस्ट डिलीट करने का कारण क्या है? अगर आपने डाला है तो उसके तह तक जाकर उस पर आप लोग सामना करिए। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहा है? मैं कुछ बताने